और इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं। अभी सोनिया गांधी अब राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रही हैं। पहली बार राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। 2004 से लगातार रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं। 1999 से चुनावी राजनीति में कदम सोनिया गांधी की तरफ से रखा गया था। 1999 में पहली बार लोकसभा पहुंची सोनिया गांधी। 1999 से लेकर 2019 तक लगातार लोकसभा सांसद बनने का सफर सोनिया गांधी का जारी रहा है और यह पहला मौका अब जबकि राज्यसभा सोनिया गांधी जाएंगी। राजस्थान से जा रही हैं, जयपुर पहुंच चुकी हैं नामांकन भरने के लिए। तो सोनिया गांधी नामांकन कर रही हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। जयपुर में नामांकन कर रही हैं सोनिया गांधी आज। आप जानते हैं स्वास्थ्य को लेकर लगातार खबरें आती रही कि स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता है सोनिया गांधी का और इसी वजह से लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगी। ये पिछली बार ही एक तरीके से ऐलान कर दिया गया था और इस बार 24 लोकसभा चुनाव से पहले अब राज्यसभा जाने की सोनिया गांधी की तैयारी। नामांकन भरने के लिए जयपुर पहुंची हुई हैं सोनिया गांधी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है? ठीक कह रही थी, सोनिया गांधी पहुंच गई हैं, उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव, राहुल गांधी पार्टी के सांसद, तमाम दूसरे नेता, अशोक गहलोत फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की है, मुलाकात की है। और उसके बाद क्योंकि ये सीट डॉक्टर मनमोहन सिंह की अप्रैल में वेकेंट होने वाली है, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, आखिरकार सोनिया गांधी ने नॉर्थ इंडिया के राजस्थान जैसे स्टेट को चुना। मैं आपको बता दूं रोमाना, इसके पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल तीनों राज्यों से को ऑफर दिया गया था। महाराष्ट्र से मैं आपको बता दूं बड़ा दिलचस्प है कि वो जाना भी चाहती थी, उसको एक्टिवली एक्सप्लोर किया जा रहा था, लेकिन जब अशोक चौहान मूव कर गए और ये खतरा सामने मंडराया कि 10 से 12 विधायक इधर से उधर जा सकते हैं, तब लास्ट मिनट उन्हें चेंज करना पड़ा और आखिरकार फैसला राजस्थान के हक में हुआ। गांधी फैमिली की दूसरी सदस्य होंगी, हम सबको मालूम है 1964 में लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली बार राज्यसभा गई थी, उसके बाद गांधी परिवार की दूसरी सदस्य होंगी जो कि राज्यसभा में जा रही है। मुझे याद आ रहा है, मैं छोटा सा बस आपको याद दिला, रायपुर के सेशन में उन्होंने ये इंडिकेट किया था जब उन्होंने कहा था कि आई एम हैप्पी टू यू नो कंप्लीट माय इनिंग बाय पासिंग ऑन द बैटन टू मिस्टर खरगे, तभी इस बात का के संकेत मिल गए थे कि अब वो लोकसभा से हटेंगी और आखिरकार उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया। अब से कुछ देर में वो बाकायदा इसका नामांकन दाखिल कर देंगी। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो रायबरेली वाली सीट जिससे गांधी परिवार का एक लंबा जुड़ाव रहा है उसको लेकर पार्टी और परिवार कोई रणनीति है जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हो? देखिए, अभी तो नहीं, इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बस ये बता सकता हूं कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि रायबरेली में किसको चुनाव लड़ाया जाएगा। कुछ मेरी जानकारी के मुताबिक सर्वेस कराए जा रहे हैं, पहले ही हम बता चुके हैं अमेठी राहुल गांधी इस बार इच्छुक नहीं लड़ने के लिए। मैं इतना इशारा जरूर कर सकता हूं कि इसमें आप सरप्राइज नहीं रहिएगा अगर गांधी फैमिली पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाए। हावेवर ये अभी फैसला होना बाकी है, गांधी फैमिली ही खुद डिसाइड करेगा कि वहां से किस उम्मीदवार को लड़ाया जाए। तो ये एक बड़ा प्रश्न है जो आपके मन में, वो सभी के मन में है कि आखिर अब रायबरेली से कौन लड़ेगा, क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य होगा या फिर कोई और कैंडिडेट होगा, ये देखने वाली बात। अच्छा, अब ये तस्वीरें भी आ गई, आशीष आप प्लीज मेरे साथ रहिए, जरा तस्वीरें दिखा दें। जयपुर आज सुबह पहुंची थी सोनिया गांधी और देखिए नामांकन भर रही हैं अपना जयपुर में, उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी साथ में उनके नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हें भी आप वहां पीछे अशोक गहलोत के कोने में खड़ा हुआ देख पा रहे हैं। तो इन सब की मौजूदगी में सोनिया गांधी देखिए अपना नामांकन, राज्यसभा जाएंगी इस बार सोनिया गांधी, लोकसभा से सोनिया गांधी का किनारा, स्वास्थ्य कारणों की वजह से सीधे तौर पर चुनावी राजनीति से खुद को दूर करने का फैसला जो एक तरीके से पहले ही सोनिया गांधी की तरफ से ले लिया गया था और अब उसी फैसले पर अमल करते हुए राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचने की सोनिया गांधी की ये तैयारी जिसके लिए नामांकन उन्होंने राजस्थान जयपुर में अपना भर दिया है। एक बार फिर से आशीष का रुख करेंगे और आशीष जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब देखिए राजस्थान से वो जा रही हैं लेकिन जो उनसे गुजारिश की जा रही थी वो महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, हिमाचल का आपने जिक्र किया, लेकिन पिछले दिनों वो जो पूरी नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली राजनीति हमने देखी उसके बाद खासतौर से चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो वहां से भी ये कोशिश की जा रही थी कि सोनिया गांधी को यहां से राज्यसभा पहुंचाया जाए, तो खासतौर से जो राजस्थान चुना गया इसके पीछे कोई खास रणनीति? देखिए, क्योंकि आप कांग्रेस अध्यक्ष को देखें, कर्नाटक से आते हैं, साउथ का इन्फ्लुएंशियल स्टेट जहां पर कांग्रेस की पहले से सरकार है, वायनाड, केरल से राहुल गांधी लोकसभा सांसद हैं, हालांकि सीपीआई जरूर चाहती है कि अगर इंडिया अलायंस को वहां इंटैक्ट रखना है तो राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ दें, बट उसकी गुंजाइश फिलहाल अभी तक तो कम नजर आ रही है। तो दूसरा
हाईली इन्फ्लुएंशियल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो डाउन साउथ के हैं। ऐसे में बड़ा प्रेशर था कि कोई नॉर्थ इंडियन स्टेट चुनना चाहिए गांधी परिवार की अगली इन्फ्लुएंशियल जो सदस्य हों। लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी आएंगी, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। लिहाजा राजस्थान को इसलिए चुना गया कि कम से कम नॉर्थ साउथ, जो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये संदेश साफ जाए कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की दिलचस्पी अब सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट्स में है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का ह्यूज सर्च जो है वो हिंदी हार्टलैंड में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको नलीफाई करने के लिए, उसको नेविगेट करने के लिए फैसला किया गया है। मुझे लगता है कि बहुत कंसिडर्ड सोच समझ करके कई राउंड ऑफ टॉक्स के बाद सोनिया गांधी ने यह फैसला किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष इन्वॉल्व रहे, जिसमें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल इन्वॉल्व रहे, एंड आई एम श्योर कि राहुल गांधी भी जरूर, उन्होंने ये अपनी तरफ से सलाह दी होगी कि साउथ में जब इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं पार्टी के, तो बेहतर है कि सोनिया गांधी कोई नॉर्थ इंडिया का बड़ा हिंदी हार्टलैंड का स्टेट चुने। ABP News आपको रखे आगे।